तो हमें पता है ना कि अगर हमें कहीं किसी फंक्शन में एफ डेस एक्स निकालना है तो हम क्या लगाते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, हम इसी का यूज़ करेंगे। सही है, यूज दिस इक्वेशन बाई कैलकुलेशन ऑफ एफ एक्स। मतलब जब भी हम फंक्शनल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस रिलेशन का यूज करेंगे और उसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसको करते कैसे हैं? हम क्या करेंगे भाई कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अच्छा, अब जो हमें रिलेशन यूज करना है वहां पे एक्स प्लस एच है। अच्छा, यहाँ पे एक्स प्लस में तो कोई रिलेशन है नहीं, रिलेशन डिवीजन में, तो यहाँ पे पहले हमें रिलेशन डिवीजन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो क्या हम इसको ये लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है, बताओ? अगर हम इसको लिख दें एफएक्स कॉमन कर लें। हाँ वही, अगर हम इसमें क्या करें, इसको लिख दें एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई एफ एक्स माइनस वन बाई एच इंटू एफ एक्स, कैसे लिख सकते हैं? यस सर, अब ये क्या एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई, मतलब एफ ऑफ एक्स बाई वाई के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? यस इसको हम सर, क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स बाई वाई। तो हम इसी रिलेशन को अगर लिखें ध्यान से तो एक एफ एक्स तो कॉमन आ गया क्योंकि एच में लिमिट है, तो एक्स तो कांस्टेंट हो गया उसके लिए। ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई एक्स और यहाँ आ गया माइनस वन बाई एच। अच्छा, अभी क्या है, हमें एफ डेस एक्स की वैल्यू पता है बट यहाँ हमें कहीं एफ डेस एक्स का कोई टर्म तो मिल नहीं रहा है। अब हमें एफ डेस एक्स बनाना, यानी हमें इस वन को यूज करना पड़ेगा। तो हम अपने रिलेशन में वापस से जाएंगे। अगर हम कहें कि अपने जो ओरिजिनल हमारा रिलेशन है ये वाला एफ ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ वाई, अगर हम देखें कि ये रिलेशन सारे एक्स वाई के लिए वैलिड है, सिर्फ वाई जीरो नहीं है और हमें वन की वैल्यू पे कमेंट करना है, तो अगर हम एक्स और वाई को वन सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या एफ ऑफ वन इक्वल टू वन आ जाएगा? बोलिए, यस सर, इसका मतलब वन किस पर है, वन पे वैल्यू है। ये जैसे ही हमने ऑब्जर्व किया साइड में तो तुरंत हमको एफ डैश एक्स की वैल्यू में क्या मिल गया, एफ डैश एक्स लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ वन और डिवाइडेड बाई एच। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर, अच्छा, अब हमें इसको सेम फॉर्मेट में चेंज करना है एफ डैश एक्स वाले में, तो यहाँ पे एक एक्स मिसिंग है। अब जैसे ही हमने एक्स देखा, एक्स देखते ये वाला टर्म क्या बन गया, क्या ये एफ डैश वन बन गया? सोच के देखो, वन प्लस अगर हम इसको कैपिटल एच की तरह ट्रीट कर लें तो क्या, जब एच जीरो है तो एच बाई एक्स भी तो जीरो ही जा रहा होगा, तो एच टेंडिंग टू जीरो वन प्लस कैपिटल एच एफ वन बाई एच, तो क्या ये एफ डैश वन बन गया? तो इसका यस मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ एक्स बाई एक्स इंटू एफ डैश वन। और एफ डैश वन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है हमें, टू, इसीलिए हमने वन के बारे में भी सोचा था क्योंकि हमें एफ डैश वन बनाना था। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टू एफ एक्स बाई एक्स आ जाएगा। अब आगे तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई इंटीग्रेट करके एफ एक्स निकाल लेंगे। अब इंटीग्रेट कैसे करोगे, ये लिखा हुआ है डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू टू एफ एक्स बाई एक्स, इसी को लिख दो ऐसे डी एफ एक्स बाई एफ एक्स इक्वल टू टू डी एक्स बाई एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ से क्या आएगा, एल एन एफ एक्स इक्वल टू टू एल एन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। हमें पता है एक्स इक्वल टू वन पे एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी है, वन, सही है ना? तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। इसका मतलब एल एन एफ एक्स कितना आ गया, एल एन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, क्या है पूरा प्रोसेस सबको समझ में आया, ये बताओ।
ये प्रोसेस सीखना जरूरी है ना। जैसे इसमें क्या करोगे भाई, एफ डेस एक्स की डेफिनेशन लिखोगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब एक्स प्लस वाई की डेफिनेशन दी थी, एक्स प्लस एच की डेफिनेशन लगा दोगे, क्या लगाओगे बताओ? लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स एफ एच माइनस एफ एक्स बाई एच। क्या है तरीका, सबको समझ में आया? बताइए मुझे क्यों हमने यहाँ पर वन सोचा, क्योंकि हमने इसको क्या लिखा f ऑफ जीरो प्लस h, तो हमने सोचा कि अगर ये वन वैल्यू जीरो पे मिल जाए तो काम हो सकता है। तो हम इस रिलेशन में गए और यहाँ पे x और y को जीरो रखा, वहाँ से f जीरो की वैल्यू जीरो और वन आई, क्योंकि एफ एक्स कभी जीरो हो नहीं सकता तो जीरो निगलेक्ट कर दिया, एफ जीरो को वन ले लिया, ये बन गया एफ डैश जीरो। तो ये रिलेशन आ गया जो हमें प्रूव करना था। अब हमने अगर एफ डैश जीरो को टू ले लिया, ये आगे इंटीग्रेट किया, यहाँ पे हमें पता है कि एफ जीरो वन है तो सी की वैल्यू क्या आ गई जीरो, एफ एक्स एल एन एफ एक्स टू एक्स आ गया था, एफ एक्स की वैल्यू ई की पावर टू एक्स आ गई। क्या ये बात समझ में आ रही है सब? सही है, तो क्या सीखते आ रहे हो बताओ? वही सेम लॉजिक, एफ डैश एक्स की डेफिनेशन लगाओ सबसे पहले, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। शुरू करो भाई, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिखोगे? एफ एक्स एफ एच एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर, यही डेफिनेशन तो है ना यहाँ पे? यस सर। और माइनस एफ एक्स और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एच। अच्छा, अब एफ एक्स एफ एक्स क्या हो गया? कैंसिल आउट। यहाँ पे आ गया लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एच बाई एच, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब एफ एक्स बाई एक्स की एक्स टेंडिंग टू जीरो पर लिमिट क्या दे रखी है? वन। एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ एच बाई एच की लिमिट भी क्या हो जाएगी? वन। ये एक्स स्क्वायर और ये जीरो, तो क्या यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया? हाँ या ना जवाब दो। यस सर। अच्छा, तुरंत आप यहाँ पे एफ एक्स निकालोगे तो क्या वो एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा? Yes. बोलो। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ एक्स बाई एक्स वन है, तो ये लिमिट कहाँ जा रही है? जीरो। तो इसका मतलब जीरो पर ये भी कहाँ जा रहा होगा? जीरो। तो ये तभी पॉसिबल है जब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या रही होगी? जीरो। तो यहाँ पर एफ ऑफ जीरो क्या होगा? जीरो। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। इसका मतलब एफ एक्स फंक्शन क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स। तरीका समझ में आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। नो सर। देखिए, तो सबसे पहले आपने एफ डैश एक्स ही लगाया होगा। यस सर। क्या लिखा होगा? लिमिट टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अभी तो आपको समझ नहीं आया होगा कि फॉर्मूला ओपन कैसे करें, है ना? उसके लिए आप क्या करो, थ्री आपको चाहिए। हाँ, तो थ्री एक्स प्लस थ्री एच बाई थ्री कर लो। ये तो कर लिया होगा। गुड, बाई एच। अब आप फॉर्मूला लगाने की हालत में आ गए, जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से, मतलब सेम फॉर्मेट में चेंज करके हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो ये आ गया एफ ऑफ थ्री एक्स प्लस एफ ऑफ थ्री एच प्लस टू बाई थ्री माइनस एफ एक्स और बाई एच। तो ये आ गया होगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ थ्री एक्स माइनस थ्री एफ एक्स प्लस एफ ऑफ थ्री एच प्लस टू और होल डिवाइडेड बाई थ्री एच। देखो ध्यान से, क्या ये सही है? अरे बताओ क्या yes, है? बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब हमें सोचना है इसकी वैल्यू के बारे में। हमें क्या करना है, किसी तरीके से एफ ऑफ थ्री एक्स और एफ एक्स को रिलेट करना है, एफ ऑफ थ्री एक्स और एफ एक्स को रिलेट करना है, और उसके बाद बाकी सारी वैल्यूज में कमेंट करना है।
अब जरा देखना ध्यान से, हमें क्या पता है? हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई थ्री इक्वल टू टू प्लस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई थ्री। हमें एफ एक्स और थ्री एक्स को रिलेट करना है। तो अगर हम एक्स को थ्री एक्स से रिप्लेस करें और वाई को जीरो रख दें, तो सोचो क्या ये एफ एक्स बन जाएगा? टू प्लस एफ ऑफ थ्री एक्स प्लस एफ ऑफ जीरो और साथ में थ्री आ जाएगा। अरे बताओ, तो यहाँ से एफ ऑफ थ्री एक्स माइनस थ्री एफ एक्स प्लस टू की वैल्यू माइनस एफ जीरो आ जाएगी कि नहीं? यस सर। वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ थ्री एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई थ्री एच। अब ये आते ही कुछ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? यस सर। ये बन गया जीरो प्लस थ्री एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई थ्री एच। तो क्या इसको हम एफ डैश जीरो लिख सकते हैं? यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश जीरो, और क्वेश्चन में एफ डैश जीरो कितना दिया हुआ है? टू। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू टू आ गई, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या टू एक्स प्लस सी आ रही है? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। बोलिए भाई। यस सर। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक्स को जीरो रख देते तो बताओ एफ ऑफ जीरो माइनस थ्री एफ जीरो प्लस टू इक्वल टू माइनस एफ जीरो बनता कि नहीं बनता? यस। तो क्या एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन कितनी बन जाती? वन। टू। बोलो, देखो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाती? ये आ जाता टू एफ जीरो, ये माइनस एफ जीरो, एफ जीरो टू आ जाता कि नहीं आ जाता? यानी कि अगर हम एफ ऑफ जीरो को टू लेकर चलेंगे तो सी की वैल्यू टू आ जाएगी। इसका मतलब एफ एक्स कितना आ गया? नहीं समझ रहे मेरी बात? समझ गए। हाँ या ना में जवाब दूँ? यस सर। क्या ये बात सब yes, कहाँ से किस रिलेशन को यूज किया ये बात क्लियर हुई? क्वेश्चन में क्या है? इसमें रिलेशन नहीं लगेगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिया हुआ है आपको कि एफ एक्स माइनस एफ वाई का जो मॉड है वो एक्स माइनस वाई की पावर सेवन के बराबर है। तो अगर हम क्या करें, एक सेकेंड, तो अगर हम क्या करें, x माइनस वाई को h मान लें, मान सकते हैं कि नहीं? तो हम x की जगह y प्लस h लिख सकते हैं। हाँ ना में जवाब दो। yes, sir. सब्स्टिट्यूट yes, करोगे तो ये बन जाएगा f ऑफ y प्लस h माइनस f ऑफ y इज लेस देन मॉड ऑफ h की पावर 7। हाँ ना? अच्छा, आप सोच के बताना मुझे, एफ ऑफ वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई मॉड एच कर दो एक, तो मॉड एच बाहर आ जाएगा और यहाँ पे मॉड एच की पावर 6 आ जाएगा। अब अगर मैं एस टेंडिंग टू जीरो पर दोनों साइड लिमिट लगा दूं, तो एफ ऑफ वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई बाई एच is less than limit s tending to 0 पर mod x की power 6। जैसे limit solve करेंगे तो कुछ कुछ अभी ये कुछ same format आपको दिख रही है। ये क्या लिखा हुआ है? f dash y है क्या? नहीं। yes, sir. तो ये mod yes, of f dash y आ गया और ये 0 आ गया। अब बताओ कोई mod negative हो सकता है क्या? yes, mod कभी negative हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब f dash y की value certainly क्या होगी? जीरो। हाँ या ना भाई?
यस तो इसका मतलब एफ डैश वाई सर्टेनली क्या होगा, जीरो। और अगर एफ डैश वाई जीरो होगा तो एफ वाई कैसा होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तभी तो उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। यस यस सर, क्या लॉजिक समझ में आया, कहाँ से क्या चीज हुई बताइए। यस अगर एफ वाई कांस्टेंट है तो एफ एक्स भी कैसा है,